अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे गाइस। तो मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं के साथ। तो गाइस आज जो है मैं आपको वैलेंटाइन डे स्पेशल मेकअप करने का बताऊंगी कि हम किस तरीके से करेंगे। सो यू कैन सी जो आज मैंने अपना लुक क्रिएट किया है, मैंने कैसे किया है, क्या क्या जो है मैंने कॉस्मेटिक यूज़ किए हैं। तो आज हम आपको वैलेंटाइन डे के हवाले से जो है ये मेकअप करना सिखाऊंगी, क्योंकि जो गर्ल्स या फिर टीन एजेस गर्ल्स या फिर वुमेन जो लोग मतलब सेलिब्रेट करती हूँ, इजली अपने घर पर कैसे तैयार हो सकती हैं अपने हस्बैंड वगैरह के लिए। यू नो, हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि वैलेंटाइन डे जो दिन है मोहब्बत करने वालों का दिन माना जाता है, यानी जो प्यार करने वालों का दिन माना जाता है। तो इस हवाले से जी तमाम लेडीज़ वगैरह तैयार होती हैं और हस्बैंड वाइफ होते हैं या फिर जो कपल्स होते हैं एक दूसरे को गिफ्ट वगैरह जो है फ्राहम करते हैं, यानी कि तो वाइफ देते हैं फ्लावर्स देते हैं। तो उस हवाले से जी मैंने ये अपना लुक क्रिएट किया है ताकि इसलिए आप लोग सब जो है रेडी हो सको घर पर ही और अच्छे भी लग सको। तो अगर आपको अभी मेरा ये मेकअप करना सीखना है वैलेंटाइन डे के हवाले से, तो प्लीज़ आज का ये जो मेरा ब्लॉग है एंड तक आप लोगों ने देखना है लाजमी। सो चलो जी, ज़्यादा टाइम नहीं लेते, अब अपना जो ये जो हमने लुक क्रिएट किया है इसकी तरफ चलते हैं कि हमने कैसे बनाया है। ओके, सो गाइस मैंने अभी इस तरीके से अपना जो हेयर है मतलब सर को जो है मैंने हेयर बैंड कर लिया ताकि मेरे हेयर्स पर ना लगे फाउंडेशन। और इसके लिए जो मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ वो है बोटैनिका। यू नो गाइस, मैं चाह रही तो मैं कुछ और भी यूज़ कर सकती थी, लेकिन आपको पता है जैसे कि आजकल विंटर्स है तो विंटर्स में इतना ज़्यादा मतलब ऑयली स्किन नहीं होती है, तो डायरेक्ट मैं जो हूँ फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। जस्ट मैं एक नेचुरल लुक प्रोवाइड करके दिखाना चाहती हूँ वैलेंटाइन डे के हिसाब से कि मतलब रेड लुक हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं इजली, जो कि हमारी टीन गर्ल्स एज हैं या फिर इसके अलावा जो हमारी मैरिड वुमेन हैं वो भी कर सकती हैं इजली। तो ये देखें जी, मैंने इस तरीके से फाउंडेशन अपने हैंड में ले लिया है। सो इसको मैं अपने वूल फेस पे करूँगी अप्लाई, और हमने ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करना क्योंकि हम डे के हिसाब से कर रहे हैं ये मेकअप। तो हमने टोटल इसी जो मैंने हाथ में लिया हुआ है ना फाउंडेशन, तो मैंने कोशिश करनी है कि मैंने टोटल कवरेज जो है इसी से बनाऊं, और डे के हिसाब से तो इसलिए जो है मैं कंसीलर वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करूँगी। तो अब ईज़िली मैं इसको वूल फेस पर अपने बिठाने की कोशिश करती हूँ फाउंडेशन को, और सिंपल सा हमने लुक बनाना है जी। ओके गाइस, तो इसके बाद मैं ये जो है बोटैनिका मैंने फाउंडेशन यूज़ किया है, आप देख सकते हैं जी बोटैनिका फाउंडेशन। अब अच्छे से मैं इसको अपने वूल फेस पे अप्लाई कर दूंगी, उसके बाद आपको दूसरा मेकअप दिखाएंगे कि हमने कैसे अप्लाई किया। ओके गाइस, तो हमारा जो फाउंडेशन है आप देख सकते हैं कि अच्छे से एब्जॉल्व हो चुका है स्किन में, और बोटैनिका जो फाउंडेशन है बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। इसके अलावा फेस पाउडर के लिए जो मैं यूज़ कर रही हूँ कलर इंस्टीट्यूट इटली का जो है फेस पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ। और डे मेकअप हम बना रहे हैं तो इतना ज़्यादा मैं इसको वैसा नहीं दिखाऊंगी, इसको ज़्यादा हमने जो है बेस वगैरह यूज़ नहीं करना, डे मेकअप है। हल्का सा मैं और इसको कंसील कर लेती हूँ, और बिल्कुल मैं इसका नेचुरल लुक आपको बना के दिखाऊंगी, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। गुड हो गया जी, तो हमारा ये जो फाउंडेशन था वो भी लग चुका है, और ब्रोज भी मैंने रेडी कर ली थी। अब इसके अलावा जी चलें जी आइस मेकअप की तरफ चलते हैं। अब आइस मेकअप करते हैं लाइट सा। इसके लिए जी मैं ये नेक वालों के जो है आई शेडो यूज़ कर रही हूँ, और ये जो है मैं आई लिड बनाने के लिए ये जो है क्रिस्टन का कंटोरिंग किट जो है ये यूज़ कर रही हूँ। इससे जो है मैं इस तरीके से हमने ब्रोज को उठाना पड़ता है, गाइस तो मैंने ये आई लिड बना ली है। अब इसके अलावा मैं नेक वालों का ये जो कलर है ऑरेंज में ये लूंगी, और फिंगर की मदद से मैं इसको इधर अप्लाई करूंगी। डे मेकअप कर रही हूँ, ज़्यादा डार्क नहीं करूंगी,
और लास्ट तक आप लोग जरूर वीडियो देखिएगा समझने के लिए। सो यू कैन सी, करीब से दिखाने की मैं कोशिश तो कर रही हूँ आप लोगों को। ओके जी, हमारा हमने करना है डे लुक क्रिएट, तो हम ज़्यादा नहीं करेंगे, हम कोई ब्राइडल शादी वगैरह का फंक्शन थोड़ी ना, हम तो एज अ वैलेंटाइन डे के हिसाब से। अब इसके लिए देखें जी, ये जो है मैं ले रही हूँ ग्लिटर, ग्लिटर मैंने मल्टी में लिया है, मल्टी में इसके ऊपर अप्लाई करूंगी। जस्ट देखो मैंने कितना से अप्लाई किया, अब वाली आइस पे अप्लाई करेंगे। ज़्यादा चमक धमक नहीं करना मैंने, तो बस इतना बहुत है। और अगर नीचे गिर जाए तो ब्रश की मदद से भी आप इसको नीट कर सकते हो। तो आंखों का मेकअप तकरीबन हमारा रेडी होने वाला है। अब हम करेंगे जी आईलाइनर यूज़, और बिल्कुल सिंपल लुक बनाना सिखाऊंगी मैं। यू कैन सी जी, हमारा एक आंखों में लग चुका है लाइनर, अब मैं दूसरी आंख में अप्लाई करती हूँ, फिर आप फाइनल देखिएगा कितना प्यारा लुक आएगा। हमारा मतलब होता है कि भाई हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इजीली सीख लें हमसे। सो यू कैन सी कि मेरी बोथ आईज में भी जो है आईलाइनर लग चुका है। अब क्या करना है जी, अब हम लगाएंगे मस्कारा, क्योंकि मैं आईलैशेस वगैरह यूज़ नहीं कर रही, हम डे के हिसाब से बता रहे हैं आपको। ओह शिट, ये देखें जी निशान लग चुका है, लेकिन हम इसको भी हटाने की आपको टेक्निक बताएंगे कि ऐसा हादसा हो जाए तो आपने क्या करना है। अब दूसरी आई पे हम अपनी अप्लाई कर देते हैं इसको। यू कैन सी, तो अच्छे से हम अपनी आंखों पे इसको अप्लाई करेंगे गाइस, और मैं इसको अपनी लीड लाइन पर भी अप्लाई कर लेती हूँ। इससे आपकी जो नीचे वाली आईलैशेस हैं वो गाइस, तो यहाँ से जो फैला था मैंने सही कर दिया। अब आंखों पे हम लोग काजल लगा लेंगे। सो ये हमने काजल लगा लिया। अब हम करेंगे गाइस कंटूरिंग, अब हम कंटूरिंग करते हैं अपने फेस की। तो मैं ज़रा ब्रश देख रही थी, ब्रश मेरा मिल नहीं रहा था, मिल गया। अब ये जो है ये वाला मैं इसके लिए कलर लूँगी ब्राउन, कंटूरिंग का क्रिस्टन का। ये हमने करनी है लाइन ड्रॉ, यहाँ से भी जी मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी। ये जो हमारा हेयर शुरू होते हैं यहाँ से हमने जो है कंटूरिंग की लाइन ड्रॉ करनी होती है, ये हमारे चिक्स की लाइन तक। इसके अलावा फॉरहेड पे भी लगाऊंगी। अच्छा जी, इससे मैं लाइन ड्रॉ करती हूँ छोटे ब्रश से, ताकि ये जो है हमारी नोज का शेप आए। इससे जो है ना कंटूरिंग से क्या होता है, हमारे नोज का जो शेप है ना वो बनता है, इससे ये बारीक खुद लगती है नाक। अब इसको अब कैसे करना है सेटिंग करके बताती हूँ आपको। इसके अच्छे से हम ब्लेंडिंग करेंगे।
यू कैन सी इससे नीचे नहीं जाना हमने, इसी एरिया में देखो हमने अच्छे से ब्लेंडिंग करना होता है। इसको अच्छे से हम ब्लेंड करेंगे। अब इस साइड को मैं अपने ब्लेंड करूंगी। ऊपर की तरफ मूवमेंट करना, नीचे नहीं जाना चाहिए लाइन, लाइन को हमने क्रॉस नहीं करना, ये माइंड में अपने ही फिक्स कर लो बाद। सो यू कैन सी ये हो चुकी है। सो यू कैन सी यहां से भी हो चुका है। अब आती है नोज की बारी, अब नोज को करेंगे हम। देखें इस तरीके से गाइस, अब हम इसको करेंगे कंट्रोल। और थोड़ा सा यहां पर भी करूंगी कंटोरिंग। सो यू कैन सी इट, हमारे नोज की भी कंटोरिंग हो चुकी है। आप देख सकते हो मेरे चीक्स कितने उभर कर आए। अब बारी आती है जी ब्लश की। अब मैं ब्लश यूज़ करूँगी क्योंकि मैं बिल्कुल डे हिसाब से मेकअप बना रही हूँ। और इसके लिए जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये बोटैनिक कंपनी का जो है, मैं ये पीच कलर का जो है शेडो पिंक यूज़ नहीं करूँगी, और इसके लिए मैं पीच यूज़ कर रही हूँ। यू कैन सी सिर्फ इतने एरिया में हमने अप्लाई करना है, सिर्फ इतने ऊपरी एरिया में ना। अब चलो दूसरी तरफ करते हैं। दूसरी तरफ भी हमने जो कंटूरिंग किया था सिर्फ इतने एरिया में मैं ब्लश करूंगी। सो यू कैन सी, और आप देख सकते हो अब नोज पे थोड़ा सा हम कर देते हैं। ऑलराइट गाइस, हो चुका है जी। ओके गाइस, तो अब हमारा रह गया है जी लिपस्टिक। अब हम लिपस्टिक लगाएंगे। लिपस्टिक के लिए जी देखें ये मैं बोटैनिक का यूज़ कर रही हूँ, उसका नंबर आप लोग देख लो, 441 है। सॉरी बॉक कंपनी का है, सॉरी जी मेरे मुंह से गलत निकल गया। तो ये रेड शेड है, वैलेंटाइन डे है तो इस पर आपको पता है रेड लिपस्टिक ही अच्छी लगती है। अब इसको मैं फिलिंग कर लेती हूँ। तो यू कैन सी गाइस हमारी जो लिपस्टिक है वो अभी अप्लाई हो चुकी है। यू नो आई लाइक दिस कलर, इट्स वेरी नाइस। अब हमारी बारी आती है जी हाईलाइट की, क्योंकि हाईलाइट के बिना तो आपको पता है हर मेकअप अधूरा है। तो अब हम हाईलाइटिंग करेंगे। इसके लिए जी मैं क्रिस्टन का यूज़ कर रही हूँ हाईलाइटर। तो नोज पे हम करेंगे अपने हाईलाइटिंग। तो आप देख सकते हैं जी ये मैंने कर लिया। और ये जो चिक्स मोल्स होती है सिर्फ इतनी लाइन पे करना होता है। इससे क्या होता है, ये जो आपकी ऊपरी चिक्स होती है ना ये निकल कर आती है। ये टीन गर्ल्स भी कर सकती हैं, आप देख सकते हैं। चलें जी अब यहाँ पर कर देते हैं यही हाईलाइट, और फिंगर की मदद से इसको मूव करेंगे। यहाँ थोड़ा कम है तो यहाँ अगेन कर देती हूँ अप्लाई।
आपको हेयर्स भी बना के दिखाएंगे हम। सो यू कैन सी गाइस, हमारा मेकअप बिल्कुल रेडी हो चुका है और अभी कुछ रहता है, आई थिंक कुछ रहता तो नहीं है, मे बी के सब हमने अब चीज़ के बाद हम मेकअप फिक्सिंग स्प्रे जो है अप्लाई करेंगे। इसके अलावा ये होता है कि इससे हमारा जो मेकअप है वो ख़राब नहीं होता, तो इसके लिए जी ये मैंने ग्लैमर्स का लिया है फिक्सिंग स्प्रे और अब ये मैं अपने फुल फेस पर अप्लाई करूँगी। ड्राई होने के लिए इसको छोड़ देते हैं फुल फेस पे, इससे आपका मेकअप वैसे रहेगा, हिलेगा नहीं। तो अब इसको मैं अपने फुल फेस पे ड्राई होने के लिए छोड़ देती हूँ। आपने जो मेकअप किया होता है ना वो फटेगा नहीं, बेसिकली जो आपका बेस वगैरह फट जाता है तो इससे ये होता है कि बेस आपका फटेगा नहीं। तो इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। अब चलते हैं जी हेयर्स की तरफ। हेयर्स कैसे बनाएंगी गर्ल्स आप लोग, तो अब मैं हेयर्स का बता देती हूँ जी, हेयर्स आप लोगों ने कैसे बनाने हैं। वैसे आई थिंक हेयर्स खुले भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे, आप क्या समझते हो? मैं तो कहती हूँ कि आई थिंक हेयर्स खुले होने चाहिए। चलो जी अब इसकी सेटिंग करते हैं हेयर्स की, फिर बताते हैं आपको। ओके गाइस, तो हमारा जो फाइनल लुक है वो रेडी हो चुका है। आई होप कि आपको आज का हमारा वैलेंटाइन डे मेकअप जो है पसंद आया होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ गाइस, अगर आप आज का आपको मेरे ये मेकअप पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करना, वीडियोज़ को शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले मेरा हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके आसानी के साथ। तो उसके साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।